नानी की लीवर से नवजात नाती को मिला जीवनदान। मुंबई फोर्टिस हॉस्पिटल में 5.5 किलोग्राम के बच्चे का लीवर प्रत्यारोपण, बच्चे को मिला नया जीवनदान। मुरुड स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने एक नवजात शिशु के लीवर ट्रांसप्लांट कर दुनिया भर में साबित कर दिखाया है। बच्चा किस तरह हंसता खेलता हुआ आज अपनी माँ की गोद में किलकारी मार रहा है और उस बच्चे की किलकारी से माँ सुखद जीवन की अनुभूति कर रही है और डॉक्टर की टीम को धन्यवाद दे रही है। रायपुर निवासी एक परिवार कोलकाता के एक हॉस्पिटल में नवजात शिशु को जन्म दिया, जिस बच्चे का नाम पीयूष बताया जा रहा है। पीयूष जन्म से खतरनाक बिलियरी अस्टिया नामक बीमारी से ग्रसित था। पीयूष के लेकर माता पिता व परिवार आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु सहित अनेक हॉस्पिटल का चक्कर लगाकर पीयूष की बीमारी का सही इलाज कहीं नहीं मिल पाया। तदुपरांत उसके माता पिता को जानकारी मिली कि मुंबई स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल में पीयूष का इलाज हो सकता है, जिसके बाद पीयूष के परिवार ने मुलन फोर्टिस अस्पताल में डॉक्टर स्वप्न शर्मा से संपर्क किया। एचबीपी सर्जरी लीवर प्रत्यारोपण के डॉक्टर स्वप्न शर्मा ने जब पीयूष को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि बच्चे का वजन 5.5 किलोग्राम उस समय रहा। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करने के लिए बच्चे का वजन कम से कम 10 किलोग्राम होना चाहिए। यह सुनकर पीयूष की माँ का दिल भर आया, परिवार निराशा की स्थिति में चला गया। यह देख डॉक्टर स्वप्निल शर्मा ने पीयूष के परिवार को दिलासा देते हुए फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम बुलाकर बच्चे की बीमारी के बारे में आपसी सलाह मशवरा करके बच्चे की जान बचाने के लिए डॉक्टरों की टीम गठित की, जिस टीम में डॉक्टर सौरभ गुप्ता, डॉक्टर संगीता सेट्टी, डॉक्टर वैशाली, डॉक्टर नारायण सहित अन्य सहयोगी डॉक्टरों ने पीयूष के जीवन को बचाने के लिए बीड़ा उठाया। परंतु पीयूष के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए करीब डॉक्टरों ने बताया कि 15 लाख का खर्चा हो सकता है। डॉक्टरों के साथ साथ पीयूष के जीवन स्वास्थ्य के लिए भी एनजीओ के संगठन आ गए, आकर पीयूष के ऑपरेशन में आने वाले खर्च को वहन करते हुए मदद के साथ पीयूष को नवजीवन देने में अहम भूमिका निभाई। फोर्टिस हॉस्पिटल के जरिए उसके ऊपर मार की गई, इस तरह से पीयूष को पूरा यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया, क्या बताएंगे? सो पीयूष छोटा बच्चा जो रायपुर से ढूंढते ढूंढते हमारे तक पहुंचा, उनकी फैमिली कई जगह गई और उनको उधर किसी ने भी होप नहीं दिया। तो जब वो इधर आए तो हमारे डॉक्टर्स ने बोला हम कर सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट बड़ी सर्जरी होती है तो फाइनेंशियल का चैलेंज तो रहता ही है, लेकिन हमने जहां तक कोशिश की है प्राइवेट हॉस्पिटल होने के बावजूद कि हम कोई भी पेशेंट इन नीड को किसी तरह से भी हम सिर्फ मेडिकल सर्विस ना करते हुए जहां हम हेल्प कर सके वो कोशिश की है। तो ये केस में हमने इम्पैक्ट ग्रुप के साथ पार्टनर किया, तो उसकी वजह से हमको काफी लोगों के साथ सपोर्ट मिला, काफी डोनेशन मिला। तो मैं उन सब लोगों को थैंक करूंगी जिन्होंने इम्पैक्ट ग्रुप के जरिए हमको ये डोनेशन दिया है और इसकी वजह से और हमने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करके ये बेबी को नया लाइफ दिया। मुझे भी लीवर ट्रांसप्लांट सबसे चैलेंजिंग प्रैक्टिस है। पीयूष के उनको सक्सेसफुली लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, दिवाली के दिन फिलहाल शुरू है, नई हमारे लिए क्या बता नहीं सकते इस चीज के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे हो गया है तो हमने होप खो दिया था इस चीज के लिए, लेकिन यहाँ सपोर्टिस में आके लगा कि लग नहीं रहा है अब उसका, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह हो गया है। और कभी आपको पता चला था कि पीयूष को बीमारी है इस तरह की? तो बायबर्थ 7 डेज के बाद से हमको चीज पता चली, तब से हम उसको लेके हर हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, वो ठीक नहीं हो पा रहा है।
ये जो ऑपरेशन हुआ है उसके लिए खर्चा भी बहुत बड़ा एक रखता है, इस तरह से ये पूरा खर्चे का भी टेंशन था और पीयूष काफ़ी छोटा है ऑपरेशन के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करें, पर यहाँ पे आए तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने और एक बैक गुरु है उन्होंने काफ़ी हेल्प किया हमारा, जिससे ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाकी का जो पैसा है वो हम घर से फैमिली से लेके घर लिया है, उस टाइम हमको सिर्फ पीयूष को बचाना था, उस टाइम हमने कुछ नहीं देखा कि हमारे पास क्या है क्या नहीं, हमारे पास जो था हमने सब अब पीयूष के नानी ने उसको अपना लीवर, मेरी मम्मी ने उसको लीवर दिया है अपना, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ, सब उन्होंने लीवर दिया बिना कुछ सोचे अपने जान की परवाह नहीं किया उन्होंने। पीयूष का सबसे जो लिवर ट्रांसप्लांट इज वेरी चैलेंजिंग, उसके दो तीन कारण है। पहली चीज तो उसका जो इतना छोटा है तो सिर्फ 5.5 किलो का, 5.5 किलो का बच्चे का ट्रांसप्लांट इज चैलेंज नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन द बेस्ट ऑफ द सेंटर इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसका सब चीज खून की वजह से बहुत छोटी होती है। सेकेंड प्रॉब्लम वॉज पीयूष की हालत काफ़ी खराब थी, उसका 44-40 था, उसको सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन था, पेट में पानी था, सो दैट बिकम्स ए वेरी चैलेंज। तो उसके लिए पेशेंट का मेडिकल ऑप्टिमाइजेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हमारा इंटेंसिव का बहुत बड़ा हाथ था, उसको लेके सर्जिकल प्लस एनेस्थीसिया चैलेंज। सो बट लकीली बिकॉज द एफर्ट्स ऑफ एवरीवन एंड द सपोर्ट फ्रॉम द वर्क मैनेजमेंट हम लोग ये काम कर पाए हैं एंड आज पीयूष आपके सामने एकदम हेल्दी एंड ही कैन लीव ए नॉर्मल लाइफ। सर जो कम उम्र के बच्चे को लीवर अवेलेबल करना वो भी बहुत एक चैलेंजिंग का खर्च होता है, डोनर्स अवेलेबल किस तरह से? सो बिल्कुल सही बोले कि इतने छोटे बच्चे के लिए डोनर अवेलेबल करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो लीवर ट्रांसप्लांट दो तरीके से हो सकता है, जो एक है उसको हम ब्रेन डेड या कैडेवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, किसी के दिमाग पर चोट लगती है तो उसका हम लीवर निकाल के तो एक बार बच्चे को, तो कैडेवर ट्रांसप्लांट। दूसरा होता है लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट। लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट में हम किसी भी फैमिली मेंबर का इसका ब्लड ग्रुप मैच कंपेटेबल होता है, उसका एक छोटा भाग निकाल के बच्चे को दे सकते हैं। इतने छोटे बच्चे का कैडेवर ट्रांसप्लांट अपने आप में चैलेंज है कि कैडेवर कब मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, तब तक बच्चे को कैसे फिट रख सके, इट इज़ ए वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। सो इसलिए हमने पीयूष की फैमिली से डिस्कस किया और उनकी नानी जो कि 44 ईयर्स हो गए एकदम फिट थी, वो एकदम सामने आई, बोली कि मैं रेडी हूँ अपना लीवर डोनेट करने के लिए बच्चे को बचाने के लिए। तो शी कम फॉरवर्ड, शी अपने सारे टेस्ट कराए और बिना झिझक के उन्होंने एकदम शी वाज रेडी फॉर द ऑपरेशन एंड उनका लीवर क्वालिटी बहुत अच्छी थी, हमने उनका एक छोटा भाग लीवर कर लिया जिसकी वजह से पीयूष की रिकवरी एकदम फास्ट। ओके रो, हाय आई एम डॉक्टर स्वप्निल शर्मा, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन इन फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई। ये जो लिवर ट्रांसप्लांट का कितना चैलेंजिंग था, छोटा बच्चा था पीयूष की, ये तो पीयूष लेस देन वन ईयर का लिवर ट्रांसप्लांट करना अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब होता है, और ऊपर से पीयूष का वेट भी काफ़ी कम था। पीयूष जब हमारे पास आया तब उसका वेट 5.5 kg था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो इतने छोटे से बच्चे का जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो मेन जो प्रॉब्लम जो रहता है आपको ऑपरेशन के दौरान उनकी जो खून की नसें रहती है बहुत छोटी होती है, तो उसको आपस में जोड़ना, ये बच्चे की जो पतली जो छोटी छोटी खून की नसें होती है उसको उनका जो ग्राफ्ट होता है जो उनकी ग्रैंड मदर ने जो डोनेट किया उससे जोड़ना एक अपने आप में एक चैलेंजिंग रहता है। और दूसरा प्रॉब्लम रहता है कि ऑपरेशन के बाद जो छोटी सी खून की नसें रहती है उसमें ब्लॉक होने का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, कभी कभी उसमें क्लॉट बन जाता है। तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि हमको उनको ब्लड थिनर देना रहता है। ब्लड थिनर देने से ये दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कभी कभी ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, तो हमको किसी तरीके से दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है कि ताकि खून की नसें ब्लॉक भी मत हो और ब्लड थिनर की वजह से उनको ब्लीडिंग भी ना हो।
और दूसरा प्रॉब्लम जो हमने फेस किया कि जो उनकी ग्रैंड मदर ने उनका एक स्मॉल पार्ट ऑफ लिवर जो डोनेट किया लेफ्ट लेटरल सेगमेंट, वो भी पीयूष की बॉडी के हिसाब से काफ़ी बड़ा था, तो उसको हमको किसी तरीके से रिड्यूस करना पड़ा, कुछ छोटा करना पड़ा, उसके बाद ही हम उसको उसकी बॉडी में इम्प्लांट कर पाए। अदरवाइज वो जो लेफ्ट लेटरल सेगमेंट जो छोटा सा लिवर था उसको हम उसकी बॉडी में इम्प्लांट करके हम एब्डोमेन को क्लोज नहीं कर पाते। तो फिर भी ओवरऑल ऑपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ और पीयूष रिकवर्ड वेल। ओके, थैंक यू सर।